Hello everyone, welcome back to Meduco EduHub. Today's topic of the discussion is nutrients. आज की वीडियो में हम जानेंगे कि nutrients क्या होते हैं, उनके functions क्या क्या होते हैं और macronutrients और micronutrients के बीच में क्या difference होता है और आज हम एक confusion clear करेंगे कि एक dietitian और एक nutritionist के बीच में क्या difference होता है. So let's roll into the video. Nutrients are chemical substances that are required for the proper functioning of cells, tissues and different organs in all living organisms. अब ये चीज़ हमें पता है कि जो nutrients होते हैं वो हमारी all over body की growth के लिए बहुत ज़्यादा important होते हैं और वो एक chemical substance होते हैं जिसकी वजह से हमारी cells, tissues और जो हमारी body के different different organ system है या organs हैं उनकी proper functioning होती है. तो जो nutrient होता है वो cells के लिए या tissue के लिए या organ के लिए बहुत ज़्यादा important role play करता है उनकी functioning में. Next, our body requires an adequate amount of nutrients which are mainly required for various function of the body including growth, repair and protection against disease causing microbes. इसका मतलब ये है कि जो nutrients होते हैं वो एक adequate amount में हमारी body के लिए required होते हैं जिनका function होता है हमारी body की growth properly कराना, हमारी जो cells हैं या जो tissues हैं उन्हें दोबारा repair कराना, हमारी body को protect करना disease causing microbes के against. Next, since our body cannot synthesize these nutrients on its own, these need to be supplied through external source as food. मतलब कि जो हमारी बॉडी है वो खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती है न्यूट्रिएंट्स, इसी वजह से हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है कि हम उसे कंटिन्यूसली सप्लाई करें न्यूट्रिएंट्स विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, जो कि क्या है, फूड. मतलब फूड की हेल्प से हम अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं जिससे हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग चलती रहे. नेक्स्ट विल स्टडी द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सो देयर आर सेवरल फंक्शन व्हिच न्यूट्रिएंट्स प्ले इन आवर बॉडी. And the number one function is that they are the main source of energy for the body. मतलब जो nutrients होते हैं वो सबसे main source होते हैं हमारी body का energy provide कराने के लिए. Next point is that nutrients help in the building and repairing body tissues. अब जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि जो nutrients हैं वो help करते हैं हमारी body building में और हमारी body के जो tissues हैं या जो cells हैं उन्हें repair करने में. Number third function of the nutrient is that they help in the synthesis of collagen. मतलब जो nutrients होते हैं वो कोलेजन सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं. अब कोलेजन होता क्या है? कोलेजन इज अ प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्दी जॉइंट्स एंड फॉर स्किन इलास्टिसिटी. नाउ द फोर्थ फंक्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट इज दैट दे प्रोवाइड प्रॉपर स्ट्रक्चर टू द ब्लड वेसल्स, बोन्स एंड द लिगामेंट्स. मतलब जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारे ब्लड वेसल्स को, हमारी बोन्स को और हमारे लिगामेंट्स को प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट इज दैट दे ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी. मतलब जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारी बॉडी के होम्योस्टेटिस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. अब ये होता क्या है? होम्योस्टेटिस इज द एबिलिटी टू मेंटेन अ रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल स्टेट ऑफ बॉडी. मतलब ये वो प्रॉपर्टी है हमारी बॉडी की जिसकी वजह से हमारी बॉडी, हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है बॉडी का, वो स्टेबल रखती है. नाउ विल स्टडी द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. In general, there are two types of nutrients. Number one is macronutrients, which are required by the body in large quantities. Second is micronutrient, which are required by the body in small quantities. जैसे कि name से ही suggest हो रहा है, macro मतलब कि large और micro मतलब कि small, मतलब कम. जो macronutrients होते हैं वो हमारी body में ज़्यादा amount में required होते हैं और जो micronutrients हैं उनकी requirement हमारी body में कम होती है. Now we'll see the difference between micronutrient and macronutrient and the difference is here. अगर हम requirements के basis पे बात करें तो जो micronutrients होते हैं वो हमारी body में कम amount में required होते हैं या कम quantity उसकी हमारी body के लिए required होती है और अगर micronutrients की बात करें तो वो हमारी body में ज़्यादा amount में required होते हैं. सेकेंड, अगर हम फंक्शन के बेसिस पे बात करें, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में डिजीज़ होने से हमें बचाते हैं, मतलब हमारी बॉडी के लिए प्रिवेंशन का काम करते हैं डिजीज़ के अगेंस्ट. नेक्स्ट, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं. तो अब अगर बात करें कॉन्शियसनेस ऑफ डेफिशिएंसी की, कि मतलब इनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उसकी डेफिशिएंसी से हो सकता है एनीमिया, गोइटर और स्केवी जैसे डिजीजेस. अब अगर बात करें कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या हो जा सकता है, तो उसके एग्जांपल हैं क्वाशियोकोर, मेरिस्मस और मैलन्यूट्रिशन. अब अगर हम बात करें कंसंट्रेशन के बेसिस पे, तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दैट दे आर अवेलेबल इन माइन्यूट कंसंट्रेशन इन द बॉडी लेस देन 1 माइक्रोग्राम. मतलब जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में माइन्यूट कंसंट्रेशन में अवेलेबल होते हैं, जो होती है लेस देन 1 माइक्रोग्राम. और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दैट दे आर अवेलेबल इन हाई कंसंट्रेशन इन द बॉडी. वो हाई कंसंट्रेशन में अवेलेबल होते हैं हमारी बॉडी में, विच इज़ इक्वल टू द 1 माइक्रोग्राम और द 1000 माइक्रोग्राम.
अब अगर कंपोजिशन के बेसिस पे बात करें तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें हम ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं, जो कम अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, मतलब ट्रेस एलिमेंट। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें हम मेजर एलिमेंट कहते हैं, मेजर मतलब ज़्यादा, मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम टाइप्स की बात करें, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें आते हैं विटामिंस, मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स। और अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उसके एग्जांपल होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। Now we see that the excessive consumption or the deficiency of both the macro and micronutrients have a negative impact on the health. अब ये statement ये बता रही है कि अगर जितनी हमारी body में requirement है nutrient की, उससे अगर हम ज़्यादा consume कर रहे हैं या उससे कम consume कर रहे हैं, इन दोनों ही चीज़ का हमारी health पर negative impact पड़ता है। इसी वजह से therefore it is important to have a balanced diet which includes an equal and required quantity of both macronutrients and micronutrients. इसी वजह से हमें एक proper balanced diet consume करनी चाहिए जिसमें equal quantity में या जितनी हमारी body को requirement हो macronutrients की और micronutrients की उतना ही उसमें present हो, मतलब ना ही तो over consumption हो ना ही हमारी body में deficiency हो। इसी वजह से हमें balanced diet consume करनी चाहिए। बैलेंस डाइट टॉपिक पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, इफ यू वांट यू कैन चेक इट आउट। नाउ विल सी द डिफरेंस बिटवीन अ डाइटिशियन एंड अ न्यूट्रिनिस्ट। इट इज़ कॉमन फॉर पीपल टू थिंक दैट अ डाइटिशियन एंड अ न्यूट्रिनिस्ट डू द सेम थिंग, मतलब मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है कि जो डाइटिशियन होता है और जो न्यूट्रिनिस्ट होते हैं वो उन दोनों का काम सेम ही होता है, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि दीज टू प्रोफेशन आर वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड डे टू डे रूल्स। मतलब ये दोनों प्रोफेशन जो होते हैं उनमें डिफरेंस होता है एजुकेशन के बेसिस पर भी, क्वालिफिकेशन के बेसिस पर भी, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो प्रोफेशनली करते हैं उनके रोल में भी डिफरेंस होता है। अब हम वो डिफरेंस स्टडी करने वाले हैं। अगर हम वर्क प्लेस की बात करें तो जो डाइटिशियन होते हैं दे मेनली वर्क इन हॉस्पिटल एंड प्राइवेट क्लिनिक, मतलब जो डाइटिशियन होते हैं वो हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं और प्राइवेट क्लिनिक में वर्क कर सकते हैं। लेकिन जो न्यूट्रिनिस्ट होते हैं वो नॉन क्लिनिकल सराउंडिंग्स में वर्क करते हैं, मतलब हॉस्पिटल या क्लिनिक में वर्क नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बेसिस पे बात करें, सो डाइटिशियन कैन गिव एडवाइस टू हेल्दी एंड सिक पीपल इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स, मतलब जो डाइटिशियन होते हैं वो लोगों को एडवाइस कर सकते हैं, चाहे वो हेल्दी हों या बीमार लोग हों, उन्हें एडवाइस कर सकते हैं कि उन्हें किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए। लेकिन जो न्यूट्रिनिस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट फूड एंड हेल्दी ईटिंग बट नॉट अबाउट डिस्टिंक्टिव डाइट्स फॉर डिफरेंट मेडिकल इलनेस। मतलब अब जो न्यूट्रिनिस्ट होते हैं वो सजेस्ट तो कर सकते हैं या गाइड कर सकते हैं लोगों को डाइट के अकॉर्डिंग या उनकी के बॉडी में किस चीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है, लेकिन उन्हें डाइट सजेस्ट नहीं कर सकते जो मेडिकली इल हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इट बिलो।